नमस्कार, क्विकनेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है, जाने क्या है भावनात्मक श्रम यानी इमोशनल लेबर। बीते कुछ वर्षों से महिलाओं यानी कि कामकाजी और घरेलू दोनों स्तर पर महिलाओं में तनाव, अवसाद, अकेलापन और भावनात्मक रूप से कमजोर होने के लक्षण सामने आ रहे हैं। हाल ही में सैमसंग कंपनी द्वारा ब्रिटेन में लगभग 2000 कर्मचारियों पर महिलाओं में बढ़ रही इन समस्याओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणामों के मुताबिक इसके पीछे भावनात्मक श्रम या इमोशनल लेबर का कारण बताया गया, जिसे मनोवैज्ञानिक और डॉक्टरों ने भी अपनी सहमति दी। भावनात्मक श्रम का सर्वाधिक प्रभाव कार्यस्थल और घर दोनों जगह महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। दोनों ही जगह महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक गैर आधिकारिक और गैर कार्यालयी कार्य करें। महिलाएं भी अक्सर अपने आप को अधिक कठिन माने जाने से डरती हैं और उनके अदृश्य और अवैतनिक श्रम लेने के लिए सहमत होने की संभावना भी अधिक होती है। हालांकि ये अदृश्य और अवैतनिक श्रम सामान्य तौर पर उनकी जिम्मेदारी नहीं होते। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने या पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं को रोकने, दबाने या संशोधित करने की प्रक्रिया को भावनात्मक श्रम कहा जाता है। अमेरिकी समाजशास्त्री अर्ली होशचाइल्ड ने पहली बार 1983 में भावनात्मक श्रम की अवधारणा पेश की थी। होशचाइल्ड ने पूंजीवादी समाज में बाजार में हमारी भावनाओं के विनिमय मूल्य को भावनात्मक श्रम कहा था। हालांकि भावनात्मक श्रम का मकसद कभी भी एक लैंगिक शब्द नहीं था, लेकिन अवांछित और कार्यों का बोझ असमान रूप से महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सहानुभूति की क्षमता वास्तव में पुरुष और महिला दोनों में लगभग बराबर होती है, लेकिन सहानुभूति दिखाने के मामलों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक आगे और अधिक संवेदनशील होती हैं। यही कारण है कि भावनात्मक श्रम का बोझ महिलाओं पर ज्यादा पड़ता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।